अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एसटीएन साइंस एकेडमी। दोस्तों, मेरा नाम है ज़मीर इजाज मगर और आज का हमारा टॉपिक है यंग मॉड्यूलस चैप्टर 7 टॉपिक 7.9 क्लास 9। सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। यंग मॉड्यूलस कहते हैं द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग मॉड्यूलस। अगर आप स्ट्रेस को टेंसाइल स्ट्रेन से डिवाइड कर दें तो आप यंग मॉड्यूलस डिफाइन कर लेते हैं। स्ट्रेस क्या है? वो फोर्स जो आप किसी चीज पे लगा रहे हैं उसको कहते हैं स्ट्रेस, और आपके फोर्स लगाने से उस चीज में जो चेंज आ रहा है उसको कहते हैं स्ट्रेन। जो फोर्स आप लगा रहे हैं उसे कहते हैं स्ट्रेस, और आपके फोर्स लगाने से उस चीज में जो चेंज आ रहा है उसे कहते हैं स्ट्रेन। इसमें मजीद बात की जाए तो मैं इसी का इस्तेमाल करूंगा फॉर्मूला आपके सामने। स्ट्रेस इक्वल होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। जिस सब्जेक्ट में आप फोर्स लगा रहे हैं कितने यूनिट एरिया में लगा रहे हैं ये स्ट्रेस है। सिंपल प्रेशर की तरह फोर्स पर यूनिट एरिया, कितने एरिया में कितना फोर्स लग रहा है ये हमारे पास स्ट्रेस आ रहा है। इक्वल होता है एफ डिवाइडेड बाय फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको मैं कहता हूं इक्वेशन 1। नेक्स्ट है स्ट्रेन। स्ट्रेन की डेफिनेशन कहती है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। आपने फोर्स लगाई, फोर्स लगाने के बाद लेंथ चेंज होगी। जो लेंथ चेंज हुई है उसको अगर आप ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या आती है, स्ट्रेन आ जाती है। चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, यानी कि जो बाद में आई है लेंथ उसको पहले ओरिजिनल से डिवाइड करेंगे तो स्ट्रेन आ जाएगी। इक्वल होता है डेल एल डिवाइडेड बाय एल नॉट। फोर्स का ओरिजिनल लेंथ हमारे पास एल नॉट है और चेंज इन लेंथ डेल एल है, तो ये हमारे पास स्ट्रेन बन गया। सही है। अब हम डेल एल की वैल्यू पुट करते हैं, हमें पता है डेल एल इक्वल होता है एल माइनस एल नॉट। एल हमारे पास जो चेंज इन लेंथ है वो है एल नॉट ओरिजिनल लेंथ है, इसका मतलब ज़्यादा में से कम निकालेंगे तो डेल्टा एल आ जाएगा। ये हमारे पास स्ट्रेन की इक्वेशन है और ये हमारे पास इसको हम सेकेंड इक्वेशन कह सकते हैं। अब दोनों इक्वेशन को हम पुट करेंगे अपने यंग मॉड्यूलस के अंदर। पुट करने के बाद क्या होगा, स्ट्रेस की जगह आ गया फोर्स यूनिट एरिया, स्ट्रेन की जगह आ गया डेल एल डिवाइडेड बाय एल नॉट बनता है स्ट्रेन। देखें क्योंकि डिवाइड हो रहा है स्ट्रेन, वन बाय स्ट्रेन है, इसलिए ये इक्वेशन उलट जाएगी, यानी कि एल नॉट ऊपर आ जाएगा और ये डेल एल के बराबर है, डेल एल नीचे आ जाएगा। सही है। एफ को मिला के लिखेंगे तो ये एफ एल नॉट डिवाइडेड बाय ए डेल एल हमारे पास यंग मॉड्यूलस बन जाते हैं। यंग मॉड्यूलस की यूनिट है वो है न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। ये तरीका था सीरी हम यंग मॉड्यूलस फाइंड कर सकते हैं, किस सब्जेक्ट में आप कितनी फोर्स लगा रहे हैं और आपके फोर्स लगाने से उसमें कितनी चेंज आ रही है उस यंग मॉड्यूलस कहते हैं। एक चीज़ जो समझने वाली है वो ये है कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे डेल एल, यानी कि ये डेल एल के बराबर है, डेल एल डिवाइडेड बाई एल नॉट है, जबकि यहाँ पे एल नॉट डिवाइडेड बाई डेल एल है। ये इसलिए कि हमारे पास जो यहाँ स्ट्रेन थी वो डिवाइड हो रही थी, वन बाय स्ट्रेन थी। जब हम वन बाय डेल एल डिवाइडेड बाई एल नॉट लिखेंगे तो एल नॉट ऊपर चला जाएगा और हमारे पास इक्वेशन इस तरह से आ जाएगी। उम्मीद है यंग मॉड्यूलस आपको समझ आ गया होगा। किसी भी किस्म के क्वेश्चन के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमें यूट्यूब पर फॉलो करें, हमारी वीडियोस देखें ताकि आपको अच्छी से अच्छी नॉलेज और कॉन्सेप्ट्स मिल सके। आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह।